okay, so today we are going to start with the part 3 of excretory system chapter for class 7th. so we'll be starting with structure of kidneys. he's saying each kidney in a longitudinal section shows two distinct regions, an outer dark region called the cortex and the inner light region called the medulla. so before i just explain this topic, let us talk about what is the meaning of longitudinal section. if suppose, uh, suppose uh, this is an apple or something, if you want to cut the apple this way, ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम इसको काटते हैं देन इट इज़ कॉल द लॉन्गिट्यूशनल सेक्शन ठीक है जैसे सपोज मेरा हैंड ऐसे है तो अगर मैं इसको ऐसे काटूँ इफ माई हैंड इज दिस वे इफ आई कट इट दिस वे तो आपको अंदर से ऐसे दिखेगा ठीक है और वी कैन कट इट दिस वे ऑल्सो ठीक है उसको कोई और सेक्शन बोलते हैं दैट इज कॉल द ट्रांसवर्स सेक्शन इस केस में हमने क्या करना है हमने अगर ये हमारी किडनी है तो हमने उसको ऊपर से लेके नीचे की तरफ काटना है ताकि वो हमें अंदर से दिखाई दे कि वो कैसी लगती है तो अंदर से द किडनी लुक्स लाइक दिस ठीक है ही सेंग की किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है दिस पार्ट ठीक है इट इज़ अ बिट लाइटर वन थोड़ा सा लाइट कलर का होता है एंड इट इज कॉल्ड द कॉटेक्स जो उसका अंदर वाला पोर्शन होता है दैट इज अट डार्क एंड इट इज कॉल द मेड्यूलर इफ यू कैन क्लियरली सी द वीडियो जस्ट सी इन दिस पिक्चर ठीक है अगर देखो तो ये जो है वो कलर भी लाइट है इट्स लाइट पिंक लाइट पिंक कलर मीन्स आउटर पोर्शन थोड़ा सा लाइट है दैट विल बी कॉल्ड द कॉटेक्स और अंदर वाला उन्होंने थोड़ा सा डार्क ऑरेंज सा दिखाया दैट इज कॉल्ड द मेड्यूला मतलब है ये पूरी किडनी ही है हम ये बोलते हैं कि उसका बाहर वाला पोर्शन थोड़ा सा लाइट है और अंदर हल्का सा ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है जस्ट एज अवर नेल्स ठीक है तो अगर आप नेल्स की बात करो तो इट इज़ पिंकिश फ्राम हेयर स्किन फ्राम हेयर अवर फिंगर्स आर स्किन फ्राम हेयर पिंकिश फ्राम हेयर अलग अलग कलर्स होते हैं सो सेम वे किडनी ऑल्सो तो उसने क्या बोला है अगर किडनी हमारी दिस वे है सो वी आर गोइंग टू कट द किडनी दिस वे अप से लेके डाउनवर्ड एंड यू आर गोइंग टू सी द किडनी फ्रॉम इनसाइड व्हेन यू सी द किडनी फ्रॉम इनसाइड यू सी टू डिफरेंट रीजन्स तो मैंने यहाँ पे रीजन्स का मतलब क्या लिखा है एरियाज ठीक है बाहर वाला जो आपको डार्क रीजन दिखाई दे रहा है इन एक्चुअली हेयर इट इज़ शोन मतलब कि हेयर उना कलर दिखाया हुआ है बाहर दिखाया लाइट कलर अंदर डार्क दिखाया बट एक्चुअली क्या होता है कि बाहर वाला एरिया इज डार्क एंड द इनर वन इज एक्चुअली लाइटर वन सो बाहर जो डार्क पोर्शन है दैट विल भी कॉल द कॉटेक्स ठीक है डार्कर वन ठीक है एंड द इनर मेड्यूला विच इज द लाइटर पोर्स आई एम हेयर आई एम गोइंग टू सर्कुलट द आउटर इज द डार्कर वन विच इज कॉल द कॉटेक्स तो अंदर वाला होता है लाइटर वन दैट इज कॉल द मेड्यूला फिर उसने बोला है इनसाइड ईच किडनी देर आर मिलियन of microscopic filtering tubules, the the units called the nephrons or ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग टिब्यूलिटे tubules. ठीक है अब इसका मतलब क्या है? कि ये तो हमें चलो किडनी दिख गई है अगर इसी किडनी को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें ठीक है सपोज करो मैं इस किडनी का इतना सा पार्ट लेके कट करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगी तो मुझे ना अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर इतने से पार्ट में बहुत सारे ऐसे पार्ट दिखाई देंगे मिलियन ठीक है तो एक किडनी में अगर हम पूरी एक किडनी को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करके देखें विल सी मिलियंस ऑफ सच स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड द नेफ्रॉन्स और द यूरिनी फेरस्टब्यूल्स ठीक है नेफ्रॉन्स और यूरिनी फेरस्टब्यूल्स जैसे बाहर से तो हमें अपनी बॉडी बॉडी दिखाई देती है लेकिन अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर विच वी कैनॉट सी विच आर माइक्रोस्कोपिक सेम वे हेयर ऑल्सो द किडनी ठीक है अगर आप इसको नॉर्मली देखो ठीक है अगर आप कट करके किडनी को ऐसे देखें तो आपको अंदर से वो ऐसी दिखाई देगी बट वॉट हैपन इज दैट वेन यू सी द स्किडनी अंडर द माइक्रोस्कोप यू सी सो मैनी सच स्ट्रक्चर्स तो ऐसे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे विच विल बी कॉल्ड नेफ्रॉन दे आर ऑल्सो कॉल्ड द यूरिनीफेरस टिब्यूल्स वाई दे आर कॉल्ड यूरिनी फेरस टिब्यूल्स टिब्यूल्स का मतलब है एक तरह की ट्यूब और यूरिनी फेरस का मतलब है जहाँ पे यूरिन बनता है ठीक है तो किडनी के अंदर ऐसे ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर एक्चुअली यूरिन बनता है दे आर कॉल्ड द नेफ्रॉन्स नाउ ही सिंग ईच नेफ्रॉन अफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी फंक्शनल यूनिट मतलब कि एक्चुअली किडनी का ये काम करने वाला हिस्सा होता है ठीक है जो किडनी का एक्चुअली काम करके यूरिन बनाता है दैट इज दिस पोर्शन ऑफ द किडनी विच इज कॉल्ड द नेफ्रॉन दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट विल बी अ नेफ्रॉन तो किडनी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने वाला हिस्सा होता है नेफ्रॉन ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप स्ट्रक्चर एट वन एंड कॉल द बोमैनस कैप्सूल नाउ इफ यू सी इन दिस पिक्चर

ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल देन ही सिंग इट एक्सटेंड्स इन टू अ लॉन्ग यूरिनरी टिब्यूल दैट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ रीनल कैपिलरीज फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसके आगे ना ऐसे एक लंबी सी मतलब ट्यूब जैसी ऐसे शुरू हो जाती है ठीक है सो वी आर गोइंग टू मेक अ ट्यूब ठीक है दिस वे वी आर गोइंग टू मेक अ ट्यूब ठीक है सो दिस ट्यूब नंबर टू इज कॉल्ड द यूरिनरी यूरिनरी टिब्यूल urinary tibule ठीक है यहां पे था ये देखो नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम है यूरिनी फेरस टिब्यूल्स यूरीनी फेरस टिब्यूल लेकिन नेफ्रॉन के ये जो बोमेंस कैप्सूल के बाद ये जो ट्यूब शुरू होती है दैट इज कॉल्ड यूरिनरी टिब्यूल दोनों में फर्क है दैट वॉज यूरिनी फेरस एफ है उसमें दिस इज कॉल्ड द यूरिनरी टिब्यूल तो वॉट इज हैपनिंग सो दिस इज द बोमेंस कैप्सूल बोमेंस कैप्सूल के पीछे एक लंबी सी ट्यूब शुरू हुई है दैट इज कॉल्ड द यूरिनरी टिब्यूल फिर उसने बोला है कि यूरिनरी टिब्यूल जो होती है ना उसके बाहर ऐसे बहुत सारी ऐसे बाहर ना बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं ब्लड कैपिलरीज ठीक है या फिर इनको इन्होंने बोला है आपकी बुक में रीनल कैपिलरीज अब क्या मतलब है इसका देखो हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन इफ यू कैन सी माई हैंड क्लियरली दिस इज माई स्किन और स्किन के अंदर आपको ये ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर यू कैन सी समवेयर हेयर सो दिस इज माई ब्लड कैपिलरी हेयर दिस ब्लू कलर रेन वेन और आर्ट्री तो हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन होता है उसके बाहर ना ब्लड कैपिलरीज तो होती होती हैं तो हेयर ऑल्सो सेम वे किडनी के अंदर ये है नेफरॉन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेफरॉन हेयर ठीक है नेफरॉन हेयर तो है फ्रॉन के बाहर भी ब्लड तो उसको भी चाहिए ठीक है तो उसको ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है द रीनल कैपिलरीज सो नंबर थ्री इज द रीनल कैपिलरीज देन ही सिंग

टर पाइप है तो ये पाइप कैसे बनी है इसके अंदर किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स ज्यादा है ठीक है तो हर नेफ्रॉन के पास यूरिनरी टिब्यूल होगी एक ही यूरिनरी टिब्यूल देखो ऐसे वन यूरिनरी टिब्यूल सेकेंड यूरिनरी टिब्यूल थर्ड यूरिनरी टिब्यूल फोर्थ ऐसे बहुत सारे यूरिनरी टिब्यूल्स कंबाइन होकर फिर फाइनली दे विल मेक वन यूरेटर सभी की यूरिनरी टिब्यूल्स इकट्ठी होकर एक यूरेटर बना देंगी मतलब सभी अपना यूरिन ना एक ट्यूब में पोर कर देंगे दैट विल बी कॉल्ड यूरेटर मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि छोटी छोटी पाइप्स इकट्ठी होकर एक बड़ी पाइप बना देंगी तो जो छोटी पाइप्स है वो किसकी है वो है नेफ्रॉन की नेफ्रॉन की छोटी पाइप को विल कॉल इट यूरिनरी टिब्यूल तो सभी यूरिनरी टिब्यूल इकट्ठी होकर एक बड़ी पाइप बनाएंगे दैट विल बी कॉल द यूरेटर देन ही सिंग इन साइड द दिस इज अम्पॉर्टेंट पार्ट देन ही सिंह इन साइड द वोमेन्स कैप्सूल इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल अ ग्लोमैरुलस नाउ दिस इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द टीचर्स पुट दिस क्वेश्चन इन द पेपर हे सिंग अ वोमेन्स कैप्सूल के अंदर ना यहाँ पे देखो अंदर यहाँ पे ना ब्लड कैपिलरीज है गुच्छा है अंदर ब्लड कैपिलिज का जैसे ये है वोमेंस कैप्सूल तो इसके अंदर ऐसे ना गुच्छा है ब्लड कैपिलरीज का क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये जो इसका पीछे वाला पार्ट था दैट वाज अ यूरिनरी टिब्यूल तो यूरिनरी टिब्यूल के बाहर तो कौन सी कैपिलरीज है रीनल कैपिलरी उनको तो ब्लड कौन दे रहा है रीनल कैपिलरी बच्चा आप कौन वोमेंस कैप्सूल अब वोमेंस कैप्सूल को ब्लड कौन सप्लाई करेगा इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है तो उस गुच्छे को उस ब्लड कैपिलरीज को विल बी कॉलिंग ग्लो मैरुलस क्लोमैरुलस ठीक है तो सबसे पहले हमने बात की थी ये कप शेप स्ट्रक्चर है कॉल द बोमेंस कैप्सूल ठीक है फिर बोमेंस कैप्सूल के पीछे एक ट्यूब शुरू होती है दैट इज कॉल्ड द यूरिनरी टिब्यूल अब यूरिनरी टिब्यूल को ब्लड चाहिए तो उसको ब्लड कौन प्रोवाइड करेगा रीनल कैपुलरीज ठीक है रीनल कैपुलरीज उसको ब्लड दे देंगी ओके okay. अब बोमेंस कैप्सूल को ब्लड कौन दे रहा है नेटवर्क ऑफ ही सिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपुलरीज नेटवर्क का मतलब है गुच्छा बोमेंस कैप्सूल के अंदर ऐसे ब्लड कैपुलरीज का गुच्छा है दैट विल बी कॉल्ड ग्लोमैरूलस नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट इज कि बोमेन्स कैप्सूल ठीक है बोमेन्स कैप्सूल टूगेदर विद ग्लोमैरुलस ठीक है इस कॉल्ड द मैल फीजियन हेयर इट इज रिटन दिस इज इंपॉर्टेंट मैल फीजियन बॉडी ठीक है टुगेदर बोथ ऑफ देम फॉर्म द मेलफीजियन बॉडी तो हम क्या बोलेंगे ये है वोमेंस कैप्सूल इसके अंदर ये है ग्लोमेरुलस दोनों को इकट्ठे अगर बोलना है तो हम उसको क्या बोलेंगे

कॉल द मेड्यूला सो आउटर डार्क इज कॉल्डेक्स इनर दिस वन लाइटर विल बी द मेड्यूला फिर उसने बोला है अगर इसी किडनी को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे यूनिट्स दिखेंगे माइक्रोस्कोपिक ठीक है सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखेंगे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे एंड दे आर कॉल्ड द नेफ्रॉन्स They are also called the urinary tibule. tubule. Okay. Now this structure, this diagram of the nephron is important. It can come if the exams are going to be offline. Then this can come in the exam. The structure of the nephron. How you are going to draw is that this way. So first of all, we'll be drawing the Bowman's capsule, a cup-shaped structure this way. So this is the Bowman's capsule. After drawing the Bowman's capsule, we'll be drawing the urinary tubule. Okay. This way we'll be drawing the urinary tubule. ठीक है देन यूरिनरी टिब्यूल के बाद अब इसके बाहर हम ब्लड कैपिलरीज शो करेंगे ऐसे ठीक है सो नंबर वन वॉज द बोमेंस कैप्सूल बोमेंस कैप्सूल देन नंबर टू दिस वन इज़ द यूरिनरी टिब्यूल अब यूरिनरी टिब्यूल के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज है नंबर थ्री दे आर कॉल द रीनल कैपिलरीज ठीक है ऐसी ही ब्लड कैपिलरीज बोमेंस कैप्सुल के अंदर भी है एंड दे विल बी कॉल्ड द ग्लोमैरुलस फिर बोमेंस कैप्सुल और ग्लोमेरुलस को इकट्ठे क्या बोलेंगे मैलफीजियन बॉडी सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर तो बोमेंस कैप्सूल को ब्लड कौन दे रहा है ग्लोमेरुलस और इसको रीनल सॉरी यूरिनरी टिब्यूल को ब्लड कौन दे रहा है रीनल कैपिलरीज द वर्ड रीनल वट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रीनल द रीनल मीन्स किडनी आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा है गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक कार्डिएक अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट अटैक कार्डिएक मीन्स हार्ट तो वेर एवर द वर्ड रीनल विल कम इट इज इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू किडनी ओनली सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विच इज कॉल्ड वॉट विच इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कि किडनी में ये है चीज जो काम करने लायक है जैसे हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है सेल की सेल ही सारे काम करता है तो वैसे ही किडनी का फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूरीनी फेरस टिब्यूल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड यूरिनरी टिब्यूल So now next topic is how is the urine formed? Urine formed means what is the, what are the steps that are involved in the formation of urine. He saying the process of blood filtration by the kidneys and urine formation can be explained in the following steps. Ki kidneys hain basically ek toh wo banati hai urine. Okay? Secondly, they, the kidneys also filter our blood. Kiri blood may unwanted things hai, like salts are there, extra vitamins are there, wo bhi kidneys remove. Kar

जो खून लेके आ रही है फ्रॉम द हार्ट क्योंकि हार्ट से खून जो है वो गंदा वाला आएगा तो रीनल आर्टरी जो है वो गंदा वाला खून जिसमें वेस्ट मटेरियल्स हैं वो किडनी तक लेके आएगी फिर क्या होगा वो जो खून है वो ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होगा दिस पार्ट इन वन ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होगा विद अ वेरी वेरी हाई प्रेशर बहुत ज़ोर के वो ना अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होगा जैसे ही हाई प्रेशर के अंदर वो एंटर होगा तो क्या होता है जब भी कोई भी चीज़ बहुत हम जोर से मारते हैं तो उसका आधा पार्ट नीचे चला जाता है अगर सपोज करो वी हैव अ सीव जो चापुनी होती है या जो भी छालनी वगैरह होती है अगर हम बहुत ज़ोर से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकें तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप नीचे की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर भी सेम थिंग इज़ हैपनिंग जो ब्लड था इमप्योर ब्लड विच इज़ हैविंग

नंबर वन ठीक है बहुत सारे हाई प्रेशर से वो ब्लड एंटर हुआ है अब ब्लड एंटर हो गया उसके अंदर जो मतलब कि स्मॉल स्मॉल सल्यूट पार्टिकल्स थे या पानी वगैरह था ठीक है वो एंटर हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल के अंदर ठीक है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है फिल्टर करना छानना किसी चीज़ को ठीक है जो जो चीज़ें हैवी हैं वो ऊपर रह जाएंगी जो लाइट चीज़ें हैं वो नीचे चली जाएंगी तो यहाँ पर जो मतलब स्मॉल स्मॉल सल्यूट्स हैं सॉल्ट वगैरह हैं वो नीचे चले जाएंगे देन ही सिंग री option. द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ द वोमेंस कैप्सूल इन टू द यूरिनरी टिब्यूल एज इट पासिस थ्रू द यूरिनरी टिब्यूल मनी यूजफुल सब्सटांसिस आर रीअब्जॉर्ब इन टू द रीनल कैपिलरीज नाम से देखो स्टेप्स जो है ना उनके नाम से पता चल रहा है फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है फिल्टर करना जो आपका ब्लड आ रहा है उसमें से मतलब कोई भी जो हैवी हैवी पार्टिकल्स हैं वो बाहर रह जाएंगे और लाइट पार्टिकल्स जो छोटे छोटे सल्यूट्स हैं वाटर हैं वो अंदर चले जाएंगे वोमेंस कैप्सूल के अंदर अब नेक्स्ट इज Drei. एबजॉपन री एबजॉर्प्शन का मतलब होता है री मीन्स दोबारा एब्जॉर्प्शन मतलब किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना तब तो उसने क्या बोला है कि जो अब फिल्ट्रेट है फिल्ट्रेट का मतलब होता है जो चीज़ नीचे चली जाती है अब वोमेंस कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है वो नीचे जाके कहाँ पर एंट्र हो जाएगा ये कौन सा पार्ट था यूरनरी टिब्यूल हमने बात की थी वोमेंस कैप्सूल के बाद जो ट्यूब आती है दैट ट्यूब इज कॉल द यूरनरी टिब्यूल सी हेयर इफ़ दिस इज़ अ वोमेंस कैप्सूल वोमेंस कैप्सूल के बाद ये जो ट्यूब है दैट विल बी कॉल द यूरिनरी टिब्यूल तो उसके अंदर वो फिल्ट्रेट चला जाएगा अब सपोज करो कि फिल्ट्रेट के अंदर ना कोई यूजफुल चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी हम नहीं चाहते कि वो यूरिन में जाके वेस्ट हो सपोज आपने कुछ अच्छी सी अच्छा सा सॉल्ट खाया यू डोंट वॉन्ट दैट सॉल्ट टू बी रिमूव्ड इन योर यूरिन ठीक है सो दैट सॉल्ट इज़ अगेन रीअबॉर्ब्ड इन टू द रीनल कैपिलरीज अब आपको पता है यूरिनरी टिब्यूल के बाहर कैपिलरीज हैं ब्लड कैपिलरीज हैं तो जो भी यूजफुल सब्सटेंस होगा वो बोमेंस कैप्सूल सॉरी वो यूरिनरी टिब्यूल uh, से बाहर निकलने की कोशिश करेगा एंड अगेन इट विल गो इन टू द ब्लड कैपिलरीज ब्लड में दोबारा चला जाएगा पहले हमने ब्लड को प्योरीफाई करने की कोशिश की करते करते क्या हुआ जो चीज़ यूज़फुल थी वो भी निकलनी शुरू हो गई थी अब हम उसको दोबारा अपने ब्लड में वापस चाहते हैं तो रीअब्जॉर्बन जस्ट सी दिस एरो दिस एरो दिस एरोप्रजेंट्स री एब्जॉर्बन कि दोबारा वो वापस आ रहा है क्या हो रहा है एक्चुअली वट इज़ एपनिंग द फर्स्ट पार्ट इज़ ये है ग्लोमेरुलस ठीक है यहाँ से ब्लड आया ठीक है हार्ट से ब्लड आ रहा है हार्ट से ब्लड आएगा इन टू द ग्लोमेरुलस ठीक है वेरी वेरी हाई प्रेशर से तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो छोटे छोटे सल्यूट्स हैं या वाटर वगैरह है वो अंदर एंटर हो जाएंगे हैवी वाले बाहर ही रह जाएंगे छोटे छोटे सल्यूट्स फिर कहाँ पर जाएंगे ये हो गया फिल्ट्रेशन क्योंकि उसने फिल्टर कर दिया हैवी पार्टिकल्स बाहर रह गए छोटे और पानी अंदर चला गया देन द फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट मतलब जो नीचे बच गया था वो जाएगा आपका यूरिनरी टिब्यूल में यूरिनरी टिब्यूल में जाते जाते उसको पता चला कि कुछ यूजफुल चीजें भी अब बच चुकी हैं कुछ यूजफुल चीजें भी बाहर जा रही हैं यूरिन में तो वो ना क्या करेंगी ये यूरिनरी टिब्यूल से बाहर आनी शुरू हो जाएंगी वो जो यूजफुल चीजें किसमें आएंगी ये जो बाहर हमने रीनल कैपिलरीज बनाई पहले ब्लड से चीज अंदर आएगी अब हमें लगा कि वो हमारे लिए यूजफुल थी अब दोबारा वो ब्लड में जाएंगी दैट इज़ कॉल्ड री एब्जॉर्प्शन देन इट इज़ सिक्रीशन द रिमेनिंग लिक्विड अलॉन्ग विद द वेस्ट सच इज़ यूरिया यूरिक एसड एंड सो ऑन इज कॉल्ड यूरिन एंड इज कलेक्टेड इन द यूररी टिब्यूल नाउ नंबर थ्री है इज सिक्रीशन नाउ यू कैन सी दिस नंबर थ्री सिक्रीशन के बाद क्या होता है कि अगर सपोज करो कि आपके ब्लड के अंदर ये जो साइड पे ये जो साइड पे रीनल कैपलरीज हैं आपको लग रहा है कि किडनीज को लगा कि ये जो रीनल कैपलरीज हैं इनमें अभी भी यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया है तो वो ब्लड में से अगेन ये जो वेस्ट सबस्टांसिस हैं वो यूरिनरी टिब्यूल में चले जाएंगे अब आपको पता है कि सभी नेफ्रॉन्स की यूरिनरी जाके ओपन होती है इन टू यूरेटर फिर वो यूरिन बना के यूरेटर में पहुंच जाएगा सारा यूरिन मतलब सभी नेफ्रॉन्स का थोड़ा 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 यूरिन जाके यूरेटर्स में कलेक्ट हो जाएगा मतलब यूरेटर्स तक पहुंच जाएगा फिर यूरेटर्स उनको कैरी करके लेके जाएंगी टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली जो किडनीज हैं वो बाहर कैसे निकलेंगी यूरेटर्स यु, से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाएंगी

कैप्सूल के अंदर जाना शुरू कर देंगे जैसे छोटे छोटे सल्यूट्स हैं वाटर है वो अंदर बोमेंस कैप्सूल के चला गया दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड फ़िल्ट्रेशन फिर उसके बाद बोमेंस कैप्सूल में जाने के बाद वो यूरिनरी टिब्यूल में एंटर हो जाएगा अगर उसको पता चला रहा किडनीज को कि कुछ यूज़फुल चीज़ें भी आगे जा रही हैं यूरिनरी टिब्यूल में तो दोबारा वो यूजफुल चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी इन द मतलब इन टू द ब्लड कैपिलरीज जो उसके बाहर हैं जिनको हम रीनल कैपिलरीज बोलते हैं देन इज अ सिक्रीशन सिक्रीशन के केस में क्या होता है अगर कुछ वेस्ट अभी भी बच गई है जैसे यूरिया है यूरिक एसिड है वो दोबारा ब्लड कैपिलरीज से यूरिनरी टिब्यूल में जला जाएगा ठीक है उसके बाद एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन मीन्स यूरिन बन गया अब यूरिन विल मूव इन टू द